इस फिल्म का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समाज या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह एक चित्र फिल्म जिसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। तो राजेश जी, बताइए क्या हालचाल है आजकल आपके? बस जी, एकदम बढ़िया हूँ। तो आज आपका कैसे आना हुआ हमारे घर पे? मैं चाहता हूँ कि हमारी रिश्तेदारी में थोड़ी और नज़दीकी आए, मतलब कि मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन आपका बेटा करता क्या है? अपने गांव के पास की फैक्ट्री में ही काम करता है जी, और महीने के 20,000 रुपये तक कमा लेता है। जी, ये तो और भी बढ़िया है। लेकिन आप तो जानते ही हैं, मेरा भी एक बेटा है जो शादी के लायक है। जी, तो क्या आपने अभी तक कोई लड़की नहीं ढूंढी उसके लिए? और जी, लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? सुना है आपकी भी एक बेटी है जो मेरे बेटे के हम उम्र की ही है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बेटी मेरे घर में आए तो मेरी बेटी आपके घर में आए? जी, आप बिल्कुल सही समझे। मैं इस विवाह में आटा साटा ही करना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है, उनकी बेटी के बदले अपनी बेटी देनी चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आजकल के लोगों की मानसिकता ही यही है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कर भी क्या सकते हैं, हमें भी वही करना पड़ेगा जो आजकल लोग कर रहे हैं। मतलब हमें भी आटा साटा करना पड़ेगा? हाँ, हमें करना ही पड़ेगा। हमारे बेटे की शादी की उम्र भी तो निकलती जा रही है। तो बताइए राजेश जी, क्या सोचा आपने? सोचना क्या, आप तो बस ये बताइए कि अब शादी कब करनी है। जी, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। बेटा, अब तुम्हारे दीदी के कारण तुम्हारी भी शादी तय हो गई है। अब तुम अपनी ये बच्चों जैसी पागलपंती छोड़ दो और अच्छी सी कहीं नौकरी करो और पैसा कमाना शुरू कर दो। आओ पॉप्स, मेरी शादी। थोड़े टाइम तो और रुक जाते पॉप्स। बेटा, जो तुम्हारी ये शादी हो रही ना, तुम्हारी दीदी के कारण ही हो रही है, वरना तो तुम ऐसे ही कुंवारे मरे रहोगे। ओ कम ऑन पॉप्स, ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत सी लड़के मिल जाएगी, इतना स्मार्ट तो हूं मैं। बंदर जैसी तेरी हरकत है और बहुत सी लड़कियां मिल जाएगी तुझे, साले मुड़िया। मैं भी इधर से उधर से इधर से उधर से इधर से बहुत सारे पैसे कमाऊंगा पॉप्स। तो अब तुम्हारी दीदी और तुम्हारी शादी अगले महीने फाइनल है, तो अब तुम नाचने की तैयारी चालू कर दो। यो पॉप्स, अभी शुरू कर देते हैं। रानी, 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम जरा भी खुश नहीं हो। मैं खुश कैसे रहूं यार? लेकिन क्यों? क्योंकि ये शादी नहीं है, आटा साटा है। अगर तुम खुश नहीं है तो तेरी शादी क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि मैं अगर ये शादी नहीं करूंगी तो मेरे भाई की शादी भी नहीं होगी। डोली बेटा, तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी बात होती रहती है ना? जी हाँ पापा जी। तो वहाँ हमारी बेटी रानी खुश है ना? जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी यहाँ पर बहुत खुश होगी। जी पापा जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। योर रानी बेबी, मेरा टिक टिक स्टाइल तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारा खाना अच्छा नहीं है। कहाँ,
सबको खाना अच्छा लगा, आपको नहीं लगा? अरे रानी बेबी, ये भी दाल रोटी कोई खाना होता है क्या? कुछ मंचूरियन डोसा बर्गर जैसा बनाओ। मेरी बहन तो बहुत कुछ बनाती थी, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? जी ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? तुम्हें कुछ आता नहीं जाता नहीं ऐसे ही मुलट करके आ गई साली नल्ली औरत। क्या बोल रहे हो आप मुझे? कुछ ढंग से बात करिए मुझसे। मुझे ढंग सिखा दिए जा, चली जा अपने घर पे। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? और तुम वहां से ऐसे कैसे चली आई? नहीं पापा, मुझे वहाँ नहीं रहना है। वो मुझे मारता है, नहीं उसमें बोलने का ढंग है, नहीं रहने का ढंग है। मुझे वहाँ नहीं रहना है। राकेश, आपकी बहन यहाँ आके बैठ गई है, मैं भी अपने घर जा रही हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं। अगर आपकी बहन यहाँ रहेगी तो मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। अगर आपको मुझे यहाँ रखना है तो आपकी बहन को मेरे घर भेजो, चाहे मेरा भाई मारे या उनको पीटे। पापा, आपको क्या लगता है किसकी गलती है? गलती पापा की है। मेरी गलती? मेरी गलती कैसे है? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपने हमारा आटा साटा कर लिया था। ये तो वही बात हुई ना, भेज के बदले भेज देना, किसी सामान के बदले सामान देना। आटा शाटा किसी शादी का निवारण नहीं, बल्कि समाज का एक दोष है। हाँ पापा, राकेश सही बोल रहा है। आज हम दोनों भाई बहनों की जिंदगी खराब हुई है तो सिर्फ इस आटे साटे की वजह से। है पॉप्स, चली गई ना वो छोड़ के। आप ही ने करवाई थी शादी, अब मैं क्या करूँगा? अकेला आऊँ, किसी और से करवाओ मेरी शादी। अब साला बांध रहा है, अब ना ही तेरी शादी होगी और ना ही तू कुछ कर पाएगा। अब तू नल्ला रहेगा, नल्ला। ओहो हो हो, नल्ला। अब तो नल्ला डांस बनता है साला। मैं तो नल्ला बन गया, नल्ले से भी नल्ला बन गया। मेरी एक बात सुन लो, कभी किसी पत्नी पे तुम हाथ ना उठाना, नहीं तो मेरी तरह नल्ले बन जाओगे।